हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फ्लेवर विद स्पाइसी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंच टोस्ट की एक बहुत ही क्विक एंड इजी सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 स्लाइसेस वाइट ब्रेड के, आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और मैं इस तरह से जो इसके साइड्स हैं इनको अलग कर दूँगी। तो यहाँ मैंने जो इसके साइड्स हैं ये अलग कर दिए हैं। और अब मैंने लिया है यहाँ एक मिक्सिंग बाउल, जिसमें मैं ऐड करूँगी ये 2 eggs। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 cup मिल्क, दूध, 1 teaspoon शुगर चीनी, 1/4 teaspoon सॉल्ट, और थोड़ा सा ही मैं इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। और इन सब को अच्छी तरह से मैं यहाँ बीट कर लूँगी। और इसे हमें अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स करना है, इस तरह से विस्कर की हेल्प से मैं इसे विस्क कर ले रही हूँ। इसके बाद मैंने एक यहाँ प्लेट लिया है और उसमें मैंने रखा है इस तरह से ये ब्रेड का स्लाइस, और ऊपर से मैं इसमें ये जो हमने बैटर बना के रखा है एग का, वो इस पर ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने दूसरा स्लाइस रखा है ब्रेड का, और उस पर भी मैं इसी तरह से जो सारा जो हमारा मिक्सचर है एग का, उसे इस तरह से स्प्रेड कर लूँगी। और यहाँ हमारा ब्रेड जो है अच्छी तरह से इस मिक्सचर में जो है सोख हो चुका है। उसके बाद मैंने लिया है एक नॉनस्टिक तवा, उस पर मैंने ऐड किया है बटर। और अब हम जो ये ब्रेड के जो हमारे स्लाइसिस हैं, हम इस तरह से इस तवे पर रखेंगे, और हमें इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक करना है। तो ये एक साइड से कुक हो गया है, अब मैं दूसरी साइड से इसे चेंज कर दूंगी, और दूसरी साइड से भी हम इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए, हल्का ब्राउन कलर आने तक हमें अच्छी तरह से इसे दोनों साइड से कुक कर लेना है। तो ये हमारा जो टोस्ट है दोनों साइड से अच्छी तरह कुक हो चुका है, और अब हम इसके साइड्स भी जो है इस तरह से कुक कर लेंगे, जिस तरह से देखिए मैं कर रही हूँ। तो चारों साइड हमें इसी तरह से कुक करने हैं जब तक कि हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है उन पर। तो देखिए, ये यहाँ अच्छे से कुक हो गया है। अब मैं लास्ट में इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा वाइट शुगर, और इसे इस साइड से अच्छे से कुक कर लूँगी। इससे जो है इसमें काफ़ी अच्छा टेक्स्चर आता है, एक क्रंची सा फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ हमारा फ्रेंच टोस्ट बन के तैयार है। तो चलिए अब इसे कर लेते हैं सर्व। तो देखिए कितना फ्लफ़ी सा हमारा ये फ्रेंच टोस्ट बनके तैयार हुआ है। तो चलिए मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है ये। तो देखिए कितना सॉफ्टली ये कट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।